उत्तराखंड को लेकर बहुत बड़े खतरे में उत्तराखंड। वहां रिसर्च कर रहे सरकारी संस्थान एनजीआरआई यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप कभी भी आ सकता है। भूकंप इतना ताकतवर होगा कि रिक्टर स्केल पर 8 या फिर उससे भी ज्यादा की तीव्रता को पार कर जाएगा, जबकि तुर्की में 6 फरवरी को जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.8 थी। उसी की वजह से वहां अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब खुद अंदाजा लगाइए कि अगर तुर्की में आए भूकंप से भी तगड़ा भूकंप उत्तराखंड में आ गया तो क्या होगा। हिमालय के इलाके में होने की वजह से उत्तराखंड पर भूकंप आने का खतरा हमेशा रहता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप की चेतावनी ने सबके होश उड़ा दिए। और हो सकता है कि प्रकृति उत्तराखंड को अब अपना वो रूप दिखाए कि उसकी बलि ही चढ़ जाए। हैदराबाद में मौजूद एनजीआरआई यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि उत्तराखंड में जमीन के अंदर इतनी उथल पुथल मची है कि अब वहां बेहद ताकतवर भूकंप आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बस नुकसान कम से कम हो, सिर्फ उसके लिए ही तैयारी की जा सकती है। एनजीआरआई उत्तराखंड की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, वहां आने वाले भूकंपों और जमीन खिसकने की घटनाओं पर वो नजर रख रहा है। इस आधार पर एनजीआरआई का अनुमान है कि उत्तराखंड में आने वाला भूकंप इतनी लाशें बिछाएगा कि तुर्की का 7.8 की तीव्रता का भूकंप भी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि खतरा सिर्फ उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को ही नहीं होगा। 2 महीने बाद ही चार धाम यात्रा शुरू होनी है, जिसके लिए देश भर से लाखों लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे, और अगर उस दौरान उत्तराखंड में धरती कांपी तो तुर्की का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इसकी वजह यह है कि एनजीआरआई की स्टडी पर नजर रख रहे चीफ साइंटिस्ट ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल के बीच में जो इलाका है वो सीज़मिक गैप, मतलब ये कि उत्तराखंड में 200 साल से भी ज्यादा वक्त से 8 की तीव्रता का बड़ा भूकंप नहीं आया है, मगर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार चल रही है और इसलिए जमीन के अंदर हलचल बनी हुई है। उस हलचल की वजह से उत्तराखंड के इलाके में धरती के भीतर जबरदस्त दबाव बन चुका है। अब 200 साल से जमा जो दबाव कितने वक्त तक धरती के अंदर अंदर रह पाएगा, वो देर सवेर बाहर तो निकलेगा ही, और बाहर कैसे निकलेगा तो उसका एक ही रास्ता है, भूकंप, वो भी 8 की तीव्रता का भूकंप। इसीलिए माना गया है कि उत्तराखंड और पश्चिम नेपाल के जो एरियाज हैं उसमें वहाँ पर जो है एक ग्रेट अर्थक्वेक होने की संभावना है। और ग्रेट अर्थक्वेक का मतलब है रिक्टर स्केल पर 8 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप। अगर इतना ताकतवर भूकंप आया तो नक्शे से उत्तराखंड का नामो निशान भी मिट सकता है, क्योंकि तुर्की में 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने क्या तांडव किया वो सबके सामने। वो ग्रेट अर्थक्वेक भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, और उसके आगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति तो बेहद संवेदनशील है, वो आए दिन प्रकृति की मार भी झेलता ही रहता है। वहां कभी जमीन खिसकती है तो कभी बादल फटता है और कभी बाढ़ आ जाती है। लेकिन अगर उत्तराखंड में 8 की तीव्रता का भूकंप आया तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि आज से 32 साल पहले 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 6.8 जिसने 768 लोगों की जान ले ली थी और 5,066 लोग घायल हो गए थे। उस भूकंप की वजह से 20,000 से ज्यादा मकान मलबे में बदल गए थे और भूकंप के झटके आज के पूरे उत्तराखंड में महसूस हुए। यानी जब 6.8 की तीव्रता के भूकंप में ही उत्तराखंड दहल उठा था तो रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता तो वो शायद झेल ही ना पाए, क्योंकि एक बात यह भी है कि उत्तराखंड की मिट्टी की पकड़ कमजोर है और कमजोर पकड़ वाली मिट्टी में भूकंप की तरंगे ट्रैप हो जाती है, इससे वो मिट्टी के अंदर ही लगातार ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव होती रहती है। नतीजा ये होता है कि भूकंप की तरंगे 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती हैं, मतलब भूकंप का असर और बढ़ जाता है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो उत्तराखंड में तुर्की जैसा भूकंप किस तारीख को और कितने बजे आएगा ये तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। क्या पता कल ही कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाए या फिर कई साल लग जाए, लेकिन ये तो तय है कि अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड की तस्वीर तुर्की से भी दर्दनाक और डरावनी होगी। जेलेसी पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत